morning, children. Good morning, ma'am. How are you? Fine, ma'am. अच्छा चलिए आज हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें ये बताइए कौन, लेकिन बताएगा कौन? अच्छा रजत आप बताइए, ठीक है? Yes. आप बताइए, who is your best friend? रवि. आपका सबसे अच्छा दोस्त रवि है? Yes, ma'am. अच्छा उसका सबसे अच्छा कौन सा गुण आपको लगता है, या सबसे अच्छी उसकी बात कौन सी लगती है आपको? वो दयालु है और नम्रता है. दयालु है और नम्र है. गुड, वेरी गुड. आप कौन बताएगा? हर्षिता आप बताइए, ठीक है? आप बताइए आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सौम्या. सौम्या. और उसकी कौन सी क्वालिटीज आपको सबसे अच्छी लगती हैं? क्वालिटीज. क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज का अर्थ होता है गुण. गुण जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं या हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, गुण वे होते हैं. तो हर्षिता आपके दोस्त में सबसे अच्छा गुण आपको कौन सा लगता है? वो बहुत उदार है और साहसी है. बहुत उदार है और साहसी है. वेरी गुड. अब अंशुमा नाम बताइए, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मैम मेरा सबसे अच्छा दोस्त मयंक है. मयंक. और उसकी कौन सी सबसे अच्छी बात लगती है आपको? उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो सब लोगों की मदद बहुत करता है. सब लोगों की मदद बहुत करता है. वेरी गुड. और हर व्यक्ति को सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो ये है एक अच्छे इंसान के गुण, ठीक है? Yes, आप, yes, आप सब एक ही गुण का नाम बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले कौन बताएगा? रजत आप बताइए. दयालु. दयालु. गुड. दया का भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए. विधि. नम्रता. नम्रता. वेरी गुड. नम्रता, हर व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, ठीक है? बहुत से काम आपके बन जाते हैं नम्र होने से, ठीक? और हर्षिता तीसरा गुण कौन सा बताएंगी आप? उदारता. उदारता. वेरी नाइस. और आयुष्मान. सहायक. सहायक, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये इंसान का सबसे अच्छा गुण है, ठीक है? एक अच्छे इंसान में ये सब गुण जरूर से होने चाहिए, ठीक है? अंशुमान अब आप बताइए. मैम साहसी होना. साहसी होना. चलो बच्चों, तो इन गुणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है? चलिए, पहला गुण होता है दयालु. दयालु को अंग्रेजी में कहते हैं काइंड. KIND. क्या कहते हैं? काइंड. काइंड का अर्थ क्या होता है? दयालु. वेरी गुड. दूसरा गुण है नम्रता. नम्रता को अंग्रेजी में कहते हैं courteous. 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 क्या कहते हैं नम्रता को अंग्रेजी में? courteous. courteous. वेरी गुड. उदारता, तीसरा गुण है उदारता. उदारता को अंग्रेजी में कहते हैं लार्ज हार्टेड. क्या कहते हैं? लार्ज हार्टेड. हाँ गुड. LARGEHEARTED. उदारता, ठीक है? अब चौथा गुण है साहस या साहसी होना. साहसी. साहसी को अंग्रेजी में कहते हैं करेजियस. क्या कहते हैं? करेजियस. करेजियस की स्पेलिंग है CourageOUS. करेजियस. करेजियस का अर्थ है साहसी. साहसी. वेरी गुड. और पांचवा जो गुण है वो है सहायक. किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पफुल. HELPFUL. हेल्पफुल, किसी का मददगार साबित होना, किसी की सहायता करना, ठीक है? Yes, बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से गुण एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, ठीक है? Yes. Okay, good. Now tell me कि आप घर में या घर से बाहर लोगों की मदद कैसे करते हो? डू यू हेल्प अदर्स एट होम और आउटसाइड?
यस मैम। तो हर्षिता बताएंगी पहले ये किसकी और कैसे मदद करती हैं? मैं अपनी मम्मी की मदद करती हूँ खाना बनाने में और सफाई करने में। वाह गुड, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? अब रजत तुम बताओ, तुम कैसे किसकी मदद और कैसे करते हो? मैं बाजार के कामों में मदद करता हूँ। बाजार के कामों मतलब घर का सामान लाता है बाहर से, पापा को हेल्प करता है, मम्मी को हेल्प करता है, ठीक है? यस। हाँ। मैं भी बताऊँ। हाँ हाँ। कल शाम को जब मैं खेलने जा रहा था तभी मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए। तो उन वो बाबा से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता भूल गए हैं। अच्छा। फिर मैंने उनको पहले घर पहुंचाया। हाँ। और इस वजह से मैं खेलने भी नहीं जा सका। खेलने नहीं जा सकी, अफसोस? नहीं, बहुत खुशी होगी क्योंकि उसने एक बूढ़े बाबा की मदद की है, जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है या सबसे बड़ा गुण है, ठीक है? उसने एक बूढ़े बाबा को उनका रास्ता दिखाया, एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया, तो ये बहुत अच्छा काम अंशुमा ने किया, ठीक है? अब हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या गुण एक इंसान में होने चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम लोग एक कक्षा छह में एक पाठ है मी आई गो फर्स्ट, ठीक है? वो एक छोटी बच्ची रजनी की कहानी है, चलो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है? सब लोग किताब खोलो अपनी अपनी, चलो सब लोग किताब में देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? रजनी वॉज अलोन एट होम दैट डे। अलोन, ALONE, अलोन का क्या अर्थ होता है? अलोन का अर्थ होता है अकेला। क्या अर्थ होता है? अकेला। और यहाँ चूंकि रजनी लड़की है तो अकेली क्या होगा? अकेली। हाँ, उस दिन रजनी घर पे अकेली थी। हर मदर वॉन्टेड टू कुक राइस एंड दाल। उसकी माँ चावल और दाल बनाना चाहती थी। She asked Rajni to get her some rice and dal from Shankar's shop. उसने रजनी को शंकर की दुकान से थोड़ा सा चावल और दाल लाने के लिए कहा। रजनी quickly got ready and went out. Quickly, QUICKLY. इधर देखो बच्चों, quickly. QUICKLY. Quickly का क्या अर्थ है? Quickly का अर्थ है जल्दी से, शीघ्रता से। Got ready. GOTREADY. Got ready का अर्थ होता है तैयार हो जाना। वह जल्दी से तैयार हो गई और बाहर चली गई। रजनी was the first in the line at Shankar's shop. रजनी दुकान में पहले लाइन में पहले नंबर पर थी। There were many people behind her. People, PEOPLE. People का अर्थ होता है लोग। क्या अर्थ होता है? लोग। हाँ, वहां पर उसके पीछे बहुत से लोग थे। Among them was a fine gentleman wearing a coat and a cap. Wearing, wear, WEAR. Wear का अर्थ होता है पहनना। क्या अर्थ होता है? पहनना। हाँ, उनमें से एक सज्जन व्यक्ति ने एक कोट और एक टोपी पहनी हुई थी। He wanted to be first in the line. वह लाइन में पहले आना चाहता था। The gentleman was in a hurry. 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 Hurry का मतलब होता है जल्दी, ठीक है? Yes. वह सज्जन व्यक्ति जल्दी में था। He said to Rajni. उसने रजनी से कहा, I am older than you. I feel tired. I want to go home early. उसने कहा, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। Older,
OLDER. ओल्डर का अर्थ होता है उम्र में बड़ा होना, ठीक है? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ. I feel tired. मैं थकान महसूस कर रहा हूँ. I want to go home early. मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ. May I go first? क्या मैं पहले जा सकता हूँ? Yes, you may please. हाँ, कृपया आप जा सकते हैं. रजनी was kind and generous. रजनी दयालु थी और generous. G-E-N-E-R-O-U-S. Generous. Generous का अर्थ क्या होता है? विनम्र. रजनी दयालु थी और विनम्र थी. She allowed the gentleman to go before her. उसने सज्जन व्यक्ति को अपने पहले जाने दिया. Now her number was second in the line. अब लाइन में उसका नंबर दूसरा था. ओके, अब मुझे इतना हम लोगों ने पढ़ा. अब एक प्रश्न का जवाब देंगे. रजत आप देंगे, ठीक है? यस. व्हाट इज द जेंटलमैन से टू रजनी? उस सज्जन व्यक्ति ने रजनी से क्या कहा? उस सज्जन व्यक्ति ने रजनी से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मुझे आगे पहले लगने दो. हाँ, मुझे आगे जाने दो. क्या मैं पहले जा सकता हूँ? उसने रजनी से यही पूछा. एंड देन रजनी ने क्या जवाब दिया? हर्षिता, रजनी ने कहा कि आप जा सकते हैं. आप जा सकते हैं. यस, यू मे प्लीज. आप जा सकते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो अब आगे देखो. अ वुमन हु वॉज जस्ट बिहाइंड रजनी सेड टू हर. एक औरत जो रजनी के ठीक पीछे थी, उसने रजनी से क्या कहा? I can't see the shopkeeper. I am shorter than you. मैं दुकानदार को नहीं देख सकती. मैं तुमसे कद में छोटी हूँ. Shorter का अर्थ होता है कद में छोटा होना, ठीक है? Yes, ma'am. मैं तुमसे कद में छोटी हूँ. May I go first? क्या मैं पहले जा सकती हूँ? All right. रजनी ने कहा ठीक है. रजनी was kind and generous. रजनी क्या थी? अभी आपको बताया, kind दयालु और generous विनम्र. रजनी दयालु और विनम्र थी. She allowed the woman to go before her. उसने औरत को अपने पहले जाने दिया. Now रजनी was third in the line. अब तो रजनी तीसरी हो गई उस लाइन में. अब हर्षिता आप बताइए, who asked रजनी to help her? किसने रजनी से मदद मांगी? वो औरत जो रजनी से कद में छोटी थी और वो शॉपकीपर को नहीं देख पा रही थी. हाँ, good, very nice. बहुत अच्छा आंसर दिया. चलिए अब आगे देखिए. All of a sudden a fat man came here. All of a sudden, ठीक है? All of a sudden. All of a sudden का मतलब होता है अचानक. क्या अर्थ होता है? अचानक. हाँ, अचानक से एक मोटा आदमी वहां आ गया. He said to रजनी, उसने रजनी से कहा, I come here earlier than you. Earlier, earlier का अर्थ होता है तुमसे पहले, पहले आना, ठीक है? Yes, मैं तुमसे पहले आया हूँ. I went to drink water. मैं पानी पीने चला गया था. May I go first? क्या मैं पहले जा सकता हूँ? All right. ठीक है. रजनी was kind and generous. रजनी क्या थी? दयालु और विनम्र थी. She allowed him to go before her. उसने अपने आगे जाने की अनुमति दे दी, अपने पहले जाने की अनुमति दे दी. Now her number was fourth in the line. अब वो चौथे नंबर पे थी. शेखर, the shopkeeper was watching all this.
वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का अर्थ होता है देखना, ठीक है। दुकानदार शेखर, दुकानदार वह सब देख रहा था। ही गेव थिंग्स फर्स्ट टू द जेंटलमैन, उसने वो चीजें पहले उस सज्जन व्यक्ति को दी। देन टू द वुमेन, उसके बाद उस औरत को दी। एंड देन टू द फैट मैन, उसके बाद मोटे आदमी को दे दी। रतनी वेटेड पेशेंटली, वेटेड, वेट, WAIT, वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। रजनी और पेशेंटली, PATIENTLY, पेशेंटली का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक। रजनी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया। शी डिड नॉट ग्रम्बल, ग्रम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाना। ग्रम्बल का क्या अर्थ होता है? बड़बड़ाना, GRUMBLE, ग्रम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाना। वह नहीं बड़बड़ाई। When her turn came, जब उसकी बारी आई, she bought some rice and दाल, उसने थोड़ी सी दाल और चावल खरीद लिए। She paid the money to Shekhar, और उसने शंकर को कुछ पैसे दे दिए, उसका दाम चुका दिया, उन चीजों का दाम चुका दिया। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। yes, अब अंशुमान हमें एक प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। आप बताइए कि क्या रजनी बड़बड़ाई थी? Did she grumble? नहीं, रजनी नहीं बड़बड़ाई थी। रजनी नहीं बड़बड़ाई। रजनी वेटेड पेशेंटली, रजनी ने धैर्य से प्रतीक्षा की। राइट। शंकर वॉज हैप्पी टू सी रजनी, शंकर रजनी को देखकर बहुत खुश था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, शी वॉज अ गुड लिटिल गर्ल, वह बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। शी वॉज काइंड टू ऑल, वह सबके लिए दयालु है। गॉड लव्ड सच चिल्ड्रन, ईश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करते हैं। He thanked her for the money, उसने पैसे के लिए उसे धन्यवाद दिया। Thanked का मतलब होता है धन्यवाद दिया। रजनी was very tired, रजनी बहुत थकी हुई थी। She was very hungry also, hungry, 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 hungry का मतलब होता है भूखी। वह बहुत भूखी थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। She went home, वह घर चली गई। She took her food quickly and went to sleep, उसने जल्दी से अपना खाना खाया और सोने चली गई। तो बच्चों, आज हम लोग ने ये कहानी पढ़ी जो एक रजनी नामक छोटी सी बच्ची से संबंधित है। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी कविता है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? यस। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, बोलिए। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। डीड्स का अर्थ होता है कार्य। डीड्स का क्या अर्थ होता है? कार्य। हाँ। और काइंडनेस अभी आपने पढ़ा, काइंडनेस का क्या अर्थ होता है? दया। हाँ, दया से भरे हुए। क्या अर्थ होता है? दया से भरे हुए। हाँ, दया से भरे हुए छोटे छोटे कार्य। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, वर्ड्स, वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। क्या अर्थ होता है? शब्द। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स। लव, लव का अर्थ होता है प्रेम या प्यार। लव का क्या अर्थ होता है? प्रेम या प्यार। प्रेम से भरे हुए छोटे छोटे शब्द। नथिंग डू दे कॉस्ट, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। हम प्यार से भरे शब्द बोलते हैं या दया से भरे हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसकी कीमत कुछ भी नहीं, उसके बदले में हमें कुछ भी चुकाना नहीं होता।
ठीक है? यस मैम। यस मैम। दिस अर्थ इन हेवन दे टर्न, अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी, पृथ्वी ये धरती, हेवन एच ई ए वी ई एन, हेवन, हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, हेवन का क्या अर्थ होता है स्वर्ग। हमें छोटे छोटे दया से भरे हुए कार्य, प्रेम से भरे हुए छोटे छोटे शब्द, बोलने में कुछ भी खर्च नहीं करना होता, लेकिन वे शब्द इस धरती को स्वर्ग में बदल देते हैं, ठीक है? यस यस। लेकिन ये शब्द इस धरती को स्वर्ग में बदल देते हैं, समझ में आया? यस मैम। कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं या कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं तो यह धरती भी एक स्वर्ग के समान हो जाती है, क्योंकि यहाँ अच्छे लोगों का वास हो जाता है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहने लगते हैं, ठीक है ना? यस मैम। तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत से अच्छे इंसानों के बहुत से गुणों के बारे में पढ़ा, और हम सभी आज ये संकल्प करें कि हम जीवन में बहुत अच्छे कार्य करेंगे और ये सारे गुण अपने में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके।